हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रन थ्रू ऑफ चैप्टर 6 क्वेश्चन 1 to 8। क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू कैन चेक इन प्लेलिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द मिसिंग टर्म्स एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर एन टर्म्स। जो ये टर्म्स है ये हमें फाइंड आउट करनी है, और एन टर्म के लिए क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ओके, जो भी मिसिंग है उसके लिए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये आया कैसे है। यहाँ पे देखिए, जब आपने 1 लिया तो आपके पास आंसर क्या है, -4। अब -4 कहाँ से आया ये कैसे पता चलेगा आपको? ये जब आपने 2 लिया तो ये -2 है, मीन्स ये -4 जा रहा है। तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखते हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4, -4 यहाँ पे, और 1 कहाँ पे, ये यहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये यहाँ। उसके बाद अब ये वाला देखो कि ये 0 है तो दूसरा 3 है, 1, 2, 3। ये ऐसे नहीं समझ आ रहा है कि ऐसे कैसे करेंगे हम इसको। तो इसमें से जब ये लिया हमने 2, 1, 2, तो 2 के बाद जब हमने 4 लिया तो ये 2 आ रहा है, मीन्स ये कम जा रहा है। तो इसमें से कुछ माइनस किया है। अब माइनस क्या किया है वो देखते हैं हम। अगर हम इससे माइनस करते हैं, देखिए ये 2 है, 4 तो ये ऑलरेडी है, उसके बाद ये 2 है, और स्टार्ट ये कहां से हो रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है। तो 5 तो हमने अभी देखा था, 6 माइनस करके देखते हैं हम। अगर 1 - 6 करते हैं तो हमारे पास क्या आया, -5। सेम अगर इधर करते हैं हम, 2 - 6 करेंगे तो ये कितना आएगा, -4, लेकिन ये कितना है, -2 है, मीन्स 2 का इसमें डिफरेंस आ रहा है अब, ठीक है। अगर ऐसे इसमें करते हो 3 - 6 तो ये कितना आएगा, -3, यानी डिफरेंस जो आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 × 1 - 6, 2 × 1 2 - 6 करेंगे तो क्या है हमारे पास, माइनस, इनको मैं हटा देती हूं मैं, 2 - 4 किया तो कितना आया, -4। ये किसके लिए, इसके लिए। अब 2 के लिए करके देखते हैं, 2 × 1 1 ही है, 2 लेना है हमें, ये है एन इक्वल टू जब 1 था, -6 करना है, और 2 × 2 = 4 - 6, तो ये यहां से क्या आया, -2। ये बन गई सीक्वेंस हमारी। फिर 0 लेके देखते हैं, 3 लेके देखना था हमें, 3 × 2 - 6 लिया तो ये हमारे पास क्या है, 3 × 2 = 6 - 6 = 0। ऐसे अब आपको फाइंड आउट करना है 10 के लिए, व्हेन एन इक्वल टू 10, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 2n - 6, ये एक्सप्रेशन लेना है, और ये क्या वैल्यू आ गई, 2n - 6, 2 × 10 - 6, 10 × 20 - 6, that is equal to 14, ये 14 आ गया। देन 20 के लिए फाइंड आउट करना है, 2 × 20 - 6, 6, ये आप अपने आप से कर लेना कि when n इक्वल टू जो जो इसमें हमने वैल्यू ली थी, 40 - 6, that is equal to 34। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, n हमें फाइंड आउट करना है कि ये यहां पे क्या आएगा जो 50 आए। तो इसको कैसे करेंगे, 2 × n as it is - 6 = ये गिवन है 50, ट्रांसपोज करते हैं इसको, 2n will be equal to 50 - 6, 2n = 50 - 6, that is equal to 44, then n will be equal to 44 / 2, that is equal to 22। तो ये आंसर यहां से क्या आ गया, 22। ओके, ऐसे आपको ये सॉल्व करके देखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टू फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स यूज्ड इन ईच पैटर्न। आपको नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए पैटर्न में वो फॉर्मूला देना है या रूल देना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे,
पहले देखते हैं, जब हम फोर ड्रॉ करते हैं तो 1, 2, 3, 4, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट वी आर यूजिंग, 4 लाइन सेगमेंट। देन जब डबल करते हैं तब कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। जब फर्स्ट वाला बनाया तो 4 यूज हुई थी, लेकिन जब ये सेकंड वाला बनाया तो 3, यानी 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 10। सो इसके लिए रूल फाइंड आउट करते हैं कि जो फर्स्ट है 1, 2, 3, 4, उसमें 4 यूज हुई, लेकिन फर्स्ट को छोड़ के जब जो रिमेनिंग है उसको देख रहे हैं हम, तो 1, 2, 3 इसमें देखते हैं, 1, 2, 3 जो नेक्स्ट आया उसमें भी 1, 2, 3, तो हमारे पास क्या रूल बना, 3n, लेकिन फर्स्ट में तो 4 है, तो 4 के लिए क्या करेंगे, +1। अब इससे आप इसके लिए फाइंड आउट करिए कि n इक्वल टू 3, यहाँ पे n इक्वल टू अगर 3 हो, यानी नंबर ऑफ 4 कितने, 3, 3 इंटू 3 +1, 3 3 9 +1 10। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आंसर आया, 3n+1। अब सेम इसमें देखिए, जो फर्स्ट m है इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। जब सेकंड देखेंगे तो सेकंड में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां तक 10 है, लेकिन अगर हम फर्स्ट को छोड़ देते हैं तो हमने कितनी लाइन सेगमेंट यूज की, यहां देखिए, यहां ऐसे बता देती हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो फर्स्ट के लिए। जब सेकंड ड्रॉ करेंगे एम इसी के साथ तो कितनी यूज करेंगे, अब यहां से देखिए वो आपको पता चलेगा, 1, 2, 3, 4। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी 4 यूज हो रही है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वो देखेंगे हम, जो 4 एन है ये जो एक्स्ट्रा है उसके लिए है, और जो फर्स्ट है उसमें कितनी यूज हो रही है, 6, यानी कितनी एक्स्ट्रा है, 4 से 2 एक्स्ट्रा है, तो +2, ये ऐसे रूल बनेगा। अब इसमें देखते हैं सेम ऐसे ही, इसको अपने आप से भी करके देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, जब फर्स्ट एच बनाया तो 5 यूज हो रही है, जब नेक्स्ट बनाएंगे तो, इसको मैं हटा देती हूं, अपने आप से बनाती हूं, ये फर्स्ट एच हो गया, सेकंड बनाना है कि इसी के साथ, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है, 3 हो गई है, ऐसे जितने भी हम बना रहे, तो 1, 2, 3, सिर्फ 3 यूज हो रहे हैं, तो क्या रूल होगा इसमें, 3n, और फर्स्ट वाले में कितने थे, 5, यानी 3 से कितने एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए रूल क्या होगा, 3n+2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एक्सप्रेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स न्यूमेरिक कोफिशियंट। एक्सप्रेशन ये गिवन है, कोफिशियंट ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स इसमें क्या है, -8। देन इसमें देखिए ये जी है, एक्स वाई जी, कोफिशियंट ऑफ एक्स बताना है, मीन्स यहां पे -8 और वाई जी, ये दोनों लेना है आपको, ठीक है। देन यहां पे 2x माइनस एक्स रेज टू पावर 5 है, आपको सिर्फ x का बताना है, तो यहां पे क्या होगा, 2, x का कोफिशियंट यहां पे 2, ये वाला नहीं देखना क्योंकि x रेज टू पावर 5 है। देन न्यूमेरिकल कोफिशियंट बताना है, तो न्यूमेरिक कोफिशियंट क्या है, यहां पे -8 कॉमा लगा के ये 5। देन यहां पे z है सिर्फ, तो जहां जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो 1। देन यहां पे क्या न्यूमेरिक, -8, यहां पे 2 और यहां पे कितना है, -9। अब देखिए आपकी बुक में ये वाला कैसे किया हुआ है, 2 और यहां पे -9x4, ये ऐसे दिया है, मींस जो ये टर्म है इसको कैसे स्प्लिट किया है, -9x(x^4). अब ये कोई तरीका नहीं होता है, अब आपकी बुक में किया है तो क्या कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिसमें हम ऐसे नोट करें। ओके, तो ये ऐसे किया कि एक्स को छोड़ के जो रिमेनिंग है ये ले लिया है, ऐसे इसमें कोई नहीं दिया है कि ये 5, ये नहीं दिया, तो जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे ये 5 तो है ही, और कोफिशियंट अब आप बोलोगे कि एक्स,
कि न्यूमेरिकल कोफिशियंट, तो इसको एक्स रेस्ट पावर जीरो लिख सकते हो, कोई भी नंबर उसकी पावर अगर जीरो तो वो वन के इक्वल होता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे वन होता है, तो ये भी मैंने नोट किया है। और यहाँ पे ये पता नहीं वाई स्क्वायर कैसे किया है, आई डोंट नो, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स ऑफ द टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक मिलेगा आंसर, क्यों, क्योंकि इसने नोट कर दिया है कि अदर देन कॉन्स्टेंट बताना है आपको, ठीक है, मींस जो इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है जैसे ये फाइव है इसका कोफिशियंट आपको नहीं बताना है, ओके, तो यहां से आपको एग्जैक्ट सही आंसर मिलेंगे। अब कोफिशियंट कौन से बताने हैं, न्यूमेरिकल कोफिशियंट, तो न्यूमेरिकल कोफिशियंट में यानी जैसे ये है -3t², इसमें कोफिशियंट क्या होगा, टी स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बताना है, तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, -3। अब इसमें देखिए वन का तो बताना ही नहीं है, यहां पे क्या है कोफिशियंट वन, यहां पे भी क्या है वन, यहां क्या है वन, कुछ नहीं है मीन्स वन है वहां पे, ओके। देन डी पार्ट में देखिए माइनस में है ये, तो -1 लेंगे इसका, ओके, और यहां पे क्या है 7, ये ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2a+2b ये आएगा हमारे पास, क्या कोफिशियंट आ गया 2, 2, ओके, रिमेनिंग पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एड एड करना है हमें, तो इसको कैसे करेंगे, 3x+11 जहां पे एंड है वहां पे प्लस लगा देंगे, 10x+6। नाउ रीअरेंज करेंगे जो एक्स वाली टर्म है उनको एक साथ नोट करेंगे, 3x एंड 10x, तो +10x बच, क्या बच गया 11+6, 3+10 13x +11+6 17, ओके। सेम इधर करेंगे हम 3x+11+8z+, अब यहां पे देखिए माइनस में, अगर ऐसे माइनस होते तो ब्रैकेट में ले लेंगे हम इसको, 3x+11+8z, बाहर अगर प्लस साइन होता है तो ये एज इट इज रहेंगे, -6x+4z। अब जो सेम टर्म्स हैं उनको एक साथ करते हैं, 3x-6x ये दोनों टर्म्स +11 एज इट इज, देन +8z+4z ये दोनों टर्म एक जैसी है, तो एक प्लस साइन एक माइनस साइन है, माइनस करेंगे 6-3 3x, और ग्रेटर नंबर 6 इसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है, तो आंसर भी माइनस, +11 एज इट इज, दोनों प्लस में 8+4 12z। नाउ सी पार्ट, जहां पे कॉमा और एंड है वहां पे हम प्लस साइन यूज करेंगे, -5x²y4+xy, यहां पे प्लस किया 2x²y4+2 +7xy-3x²y4, देन वी विल अरेंज द टर्म्स, -5x²y4, दूसरी लाइक टर्म कौन सी है, +2x²y4, देन वन मोर टर्म इज देयर -3x²y4, ओके, देन एक्स वाई है ये, तो एक्स वाई वाली दूसरी टर्म और कौन सी है, ये वाली +7xy देन +2। अब ऐसे करके एक बार टर्म नोट भी जो आपने कर दी उनको काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6, कितनी टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6, तो हमने सारी टर्म्स नोट कर दिए, कई बार रह जाती है गलती से, ये 3 टर्म्स, ये 2 टर्म्स और ये डिफरेंट है। अब इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको पता है अगर सेम साइन हो तो हम नंबर्स को ऐड करते हैं, और एक प्लस एक माइनस हो तो नंबर्स को माइनस करते हैं, -5 और -3 इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -8x²y4+2x²y4, ठीक है, प्लस यहां पे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, दोनों सेम साइन है, तो 7+1 8 xy+2। अब इसको दोबारा से सोल्व करेंगे, एक प्लस एक माइनस साइन है,
तो माइनस करेंगे, 8 माइनस 2 6 एक्स स्क्वायर वाई 4, बाकी एज इट इज आएगा 8 एक्स वाई प्लस 2। और यहां पे हम साइन चेक करते हैं, जो ग्रेटर नंबर है वो 8 है, इसके सामने साइन क्या है माइनस, तो यहां पे भी क्या आएगा माइनस। नाउ डी पार्ट, जहां पे कोमा है और एंड है वहां पे हम प्लस साइन लेंगे, माइनस वाई क्यूब प्लस 2yz² माइनस जी स्क्वायर, यहां पे कोमा आ गया तो प्लस साइन लेंगे, लेकिन यहां पे ब्रैकेट है। अब देखो बाहर प्लस साइन है और ये पूरा नंबर जब हम ब्रैकेट में लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एज इट इज रहेंगे, तो इसको एज इट इज नोट कर देंगे, माइनस 6y³ प्लस 2y²z माइनस जी स्क्वायर, एंड है और प्लस लगाएंगे लेकिन यहां पे माइनस है तो इसको भी एज इट इज नोट कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2yz² प्लस 2z² माइनस 5y³। नाउ वी विल रीअरेंज द टर्म्स, माइनस वाई क्यूब, दूसरी ओर कोई वाई क्यूब है इसमें, माइनस 5y³ माइनस 6y³, दीज आर थ्री टर्म्स ऑफ y³, देन प्लस 2yz² yz² वाली एक ये टर्म है, प्लस 2y, लेकिन इसमें y² है, ये वाली नहीं है, इसमें y²z है, और इसमें क्या है yz² है, तो yz² वाली ये है, प्लस 2yz², देन माइनस z² आया, माइनस z² इधर आई, ये माइनस z², ये है इधर 2z², देन प्लस 2y²z, ये टर्म इसकी जैसे और दूसरी नहीं है, देन y² माइनस y² 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी टर्म्स हो गई, दीज थ्री, देन दीज टू जो लाइक टर्म्स है उनको अब सॉल्व करना है। सो यहां से देखिए, ओल्ड टर्म्स आ रही माइनस 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 माइनस, तो ये क्या है हमारे पास 6 + 5, यहाँ पे 1 है, 6 + 5 11 + 1 12 -12 y³, इधर प्लस, दोनों प्लस में है ये, तो 2 2 4 yz², इधर ये दोनों यहाँ पे कुछ नहीं है 1, यहाँ पे भी 1 -2z². अच्छा ये भी है इसमें, ये थ्री टर्म्स थी, ये -2z² और ये प्लस 2z² हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 - 2 0, ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ यहां से, देन प्लस 2y²z माइनस y². नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या रूल होता है, जो फॉर्म के राइट हैंड साइड में वो हम पहले नोट करते हैं, तो -3x माइनस वाई माइनस, फिर ये ब्रैकेट के अंदर नोट करना होता है x माइनस 3y, -3x माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स साइन चेंज हो जाएगी प्लस 3y, सेम टर्म एक साथ करते हैं, -3x माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3y, -3x माइनस यहां पे कुछ नहीं है तो 1, -3 एंड 1, -4x यहां पे एक प्लस में एक माइनस में है, 3 - 1 2 2y, अब साइन देखते हैं क्या आएगा, 3 है ये ग्रेटर नंबर इसके लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस साइन है तो ये भी क्या आएगा प्लस, देन बी पार्ट 5 + 2xy, इसमें भी सेम करना है, जो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है वो पहले नोट करना है, -4 - 4/5 x + 3x² माइनस, यहां पे माइनस साइन यूज करके फिर ब्रैकेट यूज करना है, 5 + 2/5 x - 3x². नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, -4/5 x + 3x². व्हेन वी विल ओपन दिस ब्रैकेट देन साइन विल चेंज, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, देन ये माइनस है तो प्लस,
सेम टर्म करते हैं एक कलेक्ट हम, तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं हम 3x² और 3x² डिक्रीजिंग पावर में देखते हैं, ये दोनों हो गए इसमें प्लस 3x² देन माइनस 4/5x ये वाली टर्म और ये वाली माइनस 2/5x देन माइनस 4 माइनस 5। अब देखिए डिफरेंस क्या है प्लस और माइनस में, कि सिर्फ एक ये स्टेप डिफरेंस है कि यहां पे माइनस होता है फ्रॉम के राइट हैंड साइड वाली, ये पहले नोट करते हैं ब्रैकेट ओपन करके, आगे सेम होता है जो हम सोल्व करते आए हैं। इन दोनों को करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 3x² + 3 6। अब इसको करेंगे सोल्व, दोनों अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो माइनस कर, इन दोनों को दोनों माइनस में तो ऐड कर देंगे माइनस 6/5x माइनस दोनों सेम है ये 9। दिस इज आवर आंसर। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट में देखिए ये फ्रॉम है इसके राइट हैंड साइड में ये वाला एक्सप्रेशन, ये पहले नोट करना हमें माइनस 8t² और यहां पे माइनस साइन लगा के ये माइनस 3t - 5s प्लस 8t² s² माइनस 3t - 5s ये एज इट इज रहेगा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये माइनस है, ये वाला साइन तो हम हटा ही देते हैं, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। नाउ यू विल कलेक्ट द माइनस 8t s² ये और फिर ये माइनस 8t² s² देन माइनस 3t + 3t देन माइनस 5s + 5s। अब यहां से देखिए 3 - 3 0 ये दोनों कैंसिल, और प्लस माइनस में होते तब होता है ये, एक प्लस में एक माइनस में और सेम है बिल्कुल, तो ये 5 - 5 ये कैंसिल हो गया। यहां से क्या आया, अब ये दोनों देखिए यहां पे एक t s² है एक t² s² है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा, इनमें कुछ नहीं करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ए पार्ट में देखिए सिंप्लीफाई करना है तो हम जो लाइक टर्म्स है उनको कलेक्ट करेंगे, जैसे 4p² q है ये, इसकी जैसे दूसरी टर्म कौन सी है लाइक टर्म देखनी हमें, तो ये वाली होगी सॉरी माइनस में है ये माइनस 3p² q। अब इधर देखिए ये माइनस 3p q² प्लस 3p q². अब ये दोनों देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 3 - 3 0। ठीक है, तो यहां से क्या आया एक प्लस में एक माइनस में माइनस करेंगे 4 - 3 1 1p² q एंड ग्रेटर 4 है, 4 के यहां सामने कोई साइन नहीं मीन्स प्लस है ये, तो ये भी आंसर क्या होगा प्लस में होगा। देन बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में भी पहले हम रीअरेंज करते हैं 2m² और दूसरा m² क्या है माइनस 7m² देन माइनस 4m + 14m। अगर आप चाहो तो इसको यहां पे सोल्व भी कर सकते हो, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस करेंगे 14 - 4 10 10m और ग्रेटर 14 है, यहां पे साइन प्लस है तो ये प्लस 10m और माइनस 9m ये नोट किया प्लस 10। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस 7 - 2 5m² और जो ग्रेटर नंबर है वो 7 है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है, यहां पे भी एक प्लस एक माइनस माइनस करेंगे 10 - 9 1m साइन डिसाइड करते हैं, एक प्लस में है जो ग्रेटर नंबर है वो प्लस में है, तो ये भी क्या होगा प्लस प्लस 10। नाउ सी पार्ट, देर आर 3 ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा ये 2n माइनस, ये भी एज इट इज रहेगा, यहां माइनस साइन है तो इनके सबके साइन चेंज करना है, ये किस में प्लस में तो ये माइनस हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में,
बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी आपको किसी में कोई चेंज नहीं करना है अभी। नाउ वी विल ओपन द कर्ली ब्रैकेट, 3m-2n-, ये बाहर माइनस है, इनके सबके साइन चेंज करने हैं अब, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहां से कुछ कैंसिल कर सकते हो, ये देखिए mn और प्लस mn, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, माइनस mn, ये माइनस है तो ये प्लस m, ये प्लस है तो माइनस, प्लस n, ये वाला n है ये, ब्रैकेट क्लोज, माइनस m। अब ये एक प्लस में एक माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। ये यहां से देखिए अब 3m-2n, ये माइनस है तो ये प्लस, एम एन प्लस है तो ये माइनस एम माइनस एम। अब यहां से देखते क्या आएगा, 3m-1 ये और माइनस वन ये, कुछ नहीं है तो वन होता है, माइनस वन और माइनस वन दोनों माइनस में है तो प्लस करेंगे, माइनस टू एम, यहां माइनस टू एन और प्लस एम एन। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, एक प्लस में माइनस में, 3-2, 1, दैट विल बी इक्वल टू m-2n + mn। नाउ डी पार्ट, 5x²y। अब इसमें आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, वो करते हैं हम, 5x²y/3-5x + x²/2-y²+। अब देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 1 4 4x²-3y²-3y² बाहर माइनस है तो माइनस x²/2+y². नाउ रीअरेंज करते हैं हम, 5x²y/3, ऐसी और कोई दूसरी नहीं है तो एज इट इज, देन ये वाली टर्म नोट करते हैं हम, 4xy², देन x² वाली करते हैं प्लस x²/2, यहां से माइनस x²/2, जो नोट हो गई उसके मार्क करते जाते हैं, देन y² वाली देखते हैं, माइनस y² माइनस, और ये देखिए इसको सोल्व कर सकते हो आप लोग, -3 और -3 दोनों सेम साइन है, 3+3 6, और जो साइन सेम होता है वो एज इट इज, और एक और भी है y², देन ये भी हो गया, रिमेनिंग टर्म इज -5x। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए क्योंकि ये दोनों हमने सोल्व कर दिए। देन अब यहां से देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस में होने के लिए बिल्कुल, ऐसे कैंसिल होने के लिए बिल्कुल सेम टर्म होनी चाहिए, कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहां पे देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, 5/3 x²y + 4xy² देन -6y² - 5x। दिस इज आवर आंसर। नाउ ई पार्ट में देखिए, ये ब्रैकेट है, बाहर प्लस साइन है, तो यहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज नोट कर देते हैं हम, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहां पे माइनस साइन है तो सबके साइन चेंज करने हैं, -8p³ - ये 3/3 है तो 3/3 को कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1, तो ये p हो गया माइनस, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, -2p4 एंड ये वाली +p4/2 देन -3/2p³ - ये है फिर -8p³ देन +4/3p, ये और p वाली टर्म ये -p देन -2 और +2, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके हम, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 LCM होगा, -2 को डिवाइड किया 1 से, 2 2 into 2 4 p4 plus
पी फोर माइनस, ये पी फोर किस लिए लिया है, टू को टू से डिवाइड किया, वन वन इंटू पी फोर, तो पी फोर आएगा। ऐसे ही इधर लेंगे हम तो ये क्या आएगा, माइनस टू से टू को डिवाइड किया वन, थ्री पी क्यूब, टू को वन से डिवाइड किया तो टू टू इंटू एट सिक्सटीन पी क्यूब प्लस फोर बाय थ्री, इसमें एलसीएम क्या आएगा, थ्री आएगा तो फोर पी, थ्री को थ्री से डिवाइड किया वन, वन इंटू फोर फोर पी माइनस, यहां पे कुछ नहीं है तो वन लिया, थ्री को वन से डिवाइड किया थ्री, थ्री इंटू पी दैट इज थ्री पी। यहां से सोल्व करेंगे फोर माइनस वन, एक प्लस एक माइनस तो माइनस किया, थ्री बाई टू पी रेस टू पावर फोर, बट साइन क्या आएगा, माइनस आएगा क्योंकि ग्रेटर फोर है, यहां पे दोनों माइनस है तो ऐड कर देंगे माइनस सिक्सटीन नाइनटीन, सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन, साइन वही रहता है पी थ्री और बाय क्या है टू, यहां से एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस किया फोर माइनस थ्री वन और ग्रेटर क्या है फोर प्लस में, सो ये क्या आएगा वन बाय थ्री पी, दिस इज आर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, कंप्लीट करनी है टेबल, ये टर्म्स, अब देखिए टर्म्स कैसे बताते हैं, जहां पे प्लस माइनस साइन है वहां पे कोमा लगा देंगे, कैसे, फोर पी क्यू कोमा माइनस थ्री क्यू स्क्वायर कोमा माइनस थ्री पी स्क्वायर, इसमें कैसे होगा सिक्स बी कोमा माइनस एट ए कोमा माइनस फोर माइनस नाइन, कोमा लगाते चलेंगे हम, सेम इसमें करेंगे फोर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई स्क्वायर और फाइव एक्स स्क्वायर वाई, देन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बताना है, वन टू थ्री टर्म्स है तो ये क्या होगा ट्राइनोमियल, वन टू थ्री फोर फाइव टर्म्स है तो पॉलिनोमियल, देन नेक्स्ट वन टू थ्री फोर पॉलिनोमियल, देन डिग्री बतानी है, डिग्री क्या है कि हाईएस्ट पावर इसमें क्या होगी, तो इसमें टू है टू, इसमें सब में वन है तो ये वन, यहां पे थ्री प्लस टू फाइव, टू प्लस टू फोर, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री, तो हाईएस्ट क्या है इसमें फाइव। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।